सारे घर वाले जिस चीज के लिए फाइट कर रहे थे वो तुम्हें लाइक बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि हाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लाइक वो डराते हैं तुमको, लिटरली डराते हैं कि भाई ना आगे जाके तुम्हारे मम्मी पापा कुछ हो गया हुआ, वो मर गए तो तुम्हारी शादी कैसे होगी, या बड़े ये कुछ हो गया तो कैसे होगी, अभी मौका है कर लो, तो तुम एक्चुअली से डर जाते हो क्या पता मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ। लोग बात कर रहे हैं कि यार ये कर सकते हैं लाइफ में, मतलब पीपल यूज टू टॉक अबाउट मूविंग टू अदर कंट्रीज, मतलब वो तो सूट इम्पॉसिबल था वो थॉट ही कभी आना, मतलब तो बहुत तो वहाँ पे काफी एक्सपोजर मिला, एंड वो ही टाइम था व्हेन इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि डूइंग समथिंग व्हिच नोबडी एल्स इज डूइंग इज नॉर्मल। ये स्टार्ट किया था हमारा मोनेटाइजेशन फ्रॉम जनवरी 2021, अभी कितना 18 मंथ हो गया, this Sunday we will cross 1 million active paid users on Google. 1 million actively paying, paying users. तो इंडिया के अंदर हम जो like Hotstar, Netflix, Prime है उनकी कैटेगरी में आने वाले हैं, like top audio platform. Hello guys and welcome to the yet another episode of the Entrepreneur Talks podcast. On today's episode, we have with us co-founders of Cuckoo FM, Vinod Minha and Lalchand Bisu. So without further ado, let's dive right into it. Hello guys. Hello. Hi. Hello. शुरू से शुरुआत करते हैं कि आप कहाँ से हो? हाँ, एकदम शुरुआत से. एकदम शुरुआत तो I am from Rajasthan. Rajasthan में भी एक सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव बठोड़ से हूँ, जो सीकर से भी 30 किलोमीटर दूर है. गांव में भी मैं गांव के भी बाहर खेत में, लाइक हमारा एक पूरा खेत होता है उसके, उसको हम ढाणी बोलते हैं राजस्थान में, तो उसमें रहता हूँ. तो मेरी पूरी स्कूलिंग गांव से हुई है, लाइक पूरी नहीं 10th क्लास तक और एक ही स्कूल के अंदर पढ़ा. और आप वो कौन सा मीडियम था आपका? हिंदी मीडियम. हिंदी मीडियम था, कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में था. और स्कूल की मेमोरीज भी ऐसी है कि लाइक शुरुआत में एवरेज बच्चा, देन आई स्टार्टेड लाइकिंग मैथ्स एंड साइंस लाइक बहुत ही ज्यादा, लाइक होता है कि तुम्हें मजा आने लगता है. और मोस्टली मेरा मैथ्स का, लाइक मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद था मेरे को. ये बहुत ज्यादा लोग बोलते नहीं है. हाँ हाँ, वो जो क्लास के अंदर बता दे एकदम उसी टाइम समझ में आ गया, बाद में तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही मजा आता है. उसके बाद 11th 12th में सीकर में प्रिंस स्कूल, लाइक वो काफी बड़ा स्कूल, उसके अंदर गया था. वो बड़ा ट्रांजिशन था, फर्स्ट टाइम मैंने लाइक 300 बच्चों से बाद में 3000 बच्चे एक साथ में देखे. और वहां से टॉप से वापस मैं सीधा लाइक 20th रैंक पे आ गया, क्योंकि वहां पे एकदम ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं पूरे इंडिया से. तो वहां पे अलग लर्निंग हुई कि यार हाँ, लाइक एक तो कि यार हाँ बड़ी स्कूल में ऐसे सिस्टमेटिक होता है, तुम सब कुछ ऐसे ड्रेस में जाओ ये करो, गांव में सब कुछ ऐसा नहीं होता है. तो वो ट्रांजिशन था. उसके बाद में लाइक आफ्टर 12th IIT थी, तो मतलब ये भी मेरा ऐसा जर्नी रहा है कि शुरुआत में ऐसा नहीं था कि यार मेरे को IIT जाना है और मेरे को ये इंजीनियरिंग करना है. तो गांव में कुछ पता ही नहीं होता, तो बस पहले ये पता था कि यार हाँ सरकारी जॉब लगती है, उसमें बाद तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाती है, तो तुम पढ़ते रहते हो. 10th क्लास में शायद ऐसा था कि 9th 10th में ऐसा था कि यार तुम, लाइक मेरे को साइंस अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं साइंस भी पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन, लाइक ये था एक्चुअली. लेकिन 10th में मेरे को अच्छे मार्क्स आए और काफ़ी फाइट करने के बाद मेरे को स्कॉलरशिप मिल गया, तो मैंने 11th 12th साइंस चूज किया कि यार ठीक है मैं कुछ ना कुछ करके हैक मार के निकाल लूंगा. उसके बाद में और अच्छा लगा, तो बाद में लाइक वो बाद में एक जर्नी आ जाती है. उसके बाद में IIT जोधपुर, और IIT जोधपुर के बाद में स्टार्टअप्स, तो लाइक ये चलनी रही है. राइट, बहुत इंस्पायरिंग है, मैं इनसे ऊपर आएंगे. बट विनोद, व्हाट अबाउट यू? तो बेसिकली हम लोग सब, मैं, बिसु, विकास, हम तीनों राजस्थान में 100-150 किलोमीटर का रेडियस है, उसी में से आते हैं. अच्छा, नॉट वेरी फार अवे, बट लैंग्वेजेस तीनों के अलग है. तो आई वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज इन अलवर, मतलब अलवर में एक राजगढ़ तहसील है, उसमें अगेन सेम गांव से, मतलब अगर मेरे गांव की बात करोगे तो बिस्सू के गांव भी गया हूं मैं, तो मतलब और छोटा गांव, एकदम ही छोटा गांव. हमारे गांव के नाम में ही था पानी नाश नागर, मतलब कि पानी नहीं है वहां पे, तो बेसिकली एक्सट्रीम गरीबी. तो या तो वाज बोर्न ओवर देयर, एंड बचपन मतलब स्टार्टिंग का कुछ टाइम वहीं पे निकला. एंड देन फिर ऐसा था कि पापा की जॉब लग गई थी, तो और कुछ साल बाद फिर पापा के साथ वहां पे चले गए. 4-5 साल का हो गया था तब शायद से. तो देन वहां पे एजुकेशन चालू हुआ मेरा जो भी. एंड तो बेसिकली मुझे याद है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों का जो
बच्चों की भाई बेयर मिनिमम कुछ तो आना चाहिए तो मेरा वो नहीं पास हो रहा था क्योंकि मैं गांव से निकल के आया था, मेरे को तो हिंदी बोलना भी नहीं आता था ना इंग्लिश, तो और दूर की बात मतलब कुछ भी नहीं आता था। तो एक पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने बैठ के बताया कि ये मतलब हिंदी बोलना समझाया और सब चीजें सिखाई, तो जाके फिर मेरा एडमिशन हुआ केंद्रीय विद्यालय में। तो नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन द बिगिनिंग, तो मेरे लिए स्ट्रगल सबसे बड़ा ही होता था कि उस टाइम मतलब मैं ऐसा होता था कि 12 महीने से 2.5 महीने टाइप्स तुम 2.5-3 महीने गांव में रहोगे, जब भी हम गांव से वापस आते थे तो एक महीना स्कूल जाने में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता था कि मैं वापस लैंग्वेज हिंदी नहीं बोल रहा होता था, मैं बार बार नेचुरली वो गांव के लैंग्वेज में वापस शिफ्ट हो जाता था। एंड दिस वॉज नॉट लाइक कि राजस्थान में तुम एक सिटी में चले गए, तुम राजस्थान के गाँव से निकल के मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में आयो तो लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है, मतलब वो यहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, वहाँ कुछ और बोला जा रहा है, तो बड़ा स्ट्रगल होता था ये। तो फॉर बिकॉज ऑफ दिस मुझे याद है मैं 7th-8th क्लास तक बहुत ही कम मतलब एक या दो लोगों से ही बात करी होगी क्लास में, बस वो एक दो लोग ही जानते हैं कि नाम भी कोई एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर अगेन 11th-12th में तो मेरी दीदी मेरे से एक बड़ी सिस्टर थी, तो वो इंजीनियरिंग कर रही थी, तो उनको समझ आता था कि अच्छा भाई IIT में कुछ होता है, ये भी एग्जाम होते हैं वो भी होते हैं, तो शी पुश्ड मी कि हाँ ठीक है ये पढ़ लो। और मेरे को फिजिक्स काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं जैसे तैसे गिरते पढ़ते निकल के IIT में पहुँच गया, IIT जोधपुर आ गया। राइट, तो आप दोनों की स्टोरी में लाइक यू कम्प्लीटेड योर 12th इन 2009 कि 2010 वेरी अंडर प्रिविलेज स्मॉल टाउन या तो फिर आप गाँव ही बोल सकते हो उसको, राइट। मैंने ये चीज नोटिस की है वहाँ के लोगों की विजन ना एक तक आके रुक जाता है। मैंने अपने सारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड देखे हुए हैं, उनका वही विजन था कि ये कर दूंगा, ये अपना 12th खत्म करके बस अभी थोड़ा इसके लिए प्रिपरेशन है, ये छोटी सारी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी वहाँ की, या तो फिर यहाँ से कुछ छोटा मोटा कुछ काम कर लूँगा, कमा के यहाँ पे रहना है, ये वाली जो बड़ा विजन सोचना है, जैसे कि स्टार्टअप चालू कर दिया कि बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, वो तो दूर की बात है, वो तो आती ही नहीं थी। तो वो आप लोगों ने वो महसूस किया अपने अंदर? मैंने काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा जो इस ट्रांजिशन को निकल नहीं पाते, तो और वो ट्रांजिशन बड़ा होता है। जैसे मैं गांव में था तो मेरे को पता है कि यार मेरे लाइक कभी दिमाग में ना कभी कोई IIT आया ना कभी डॉक्टर इंजीनियर आया, बस एक ही चीज आती थी कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाओ और तुम सेटल हो जाओगे, और उसके लिए तुम्हारे पास लाइक तुम्हें ये भी पता रहता था कि साइंस बहुत एक्सपेंसिव होती है एजुकेशन में, तुम आर्ट्स लेके तुम टीचर बन सकते हो, तुम ये बन सकते हो, कॉमर्स लेके तुम ये बन सकते हो, तो वो रहता था। और एक्चुअली वो कल्चर गांव का ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वाले इम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कि साहब आ गए, सर आ गए, गुरुजी आ गए, तो वो तुम भी उसी के अंदर पले बड़े होते हो, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर भी वही चीजें रहती है, वो एस्पिरेशन बन जाता है फिर। यस यस, तो और एक्चुअली उसको लाइक मेरे को लग रहा है वो ब्रेक करना बहुत ही टफ है। लाइक मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा कि वो आज भी उसी के अंदर ही है, लाइक वो वैसे ही सोचते हैं, वो उसी अम्ब्रेला में रहते हैं, वही कल्चर है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना वो एक्चुअली टफ होता है, जो लैंग्वेज वाला और ये कल्चर वाला, जिसके अंदर कल्चर में किया तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तुम ऐसे रहते हो, वो लैंग्वेज वाला किया तुम मारवाड़ी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांजिशन हो रहा है। और एक बार जब होता है ना तो एक्चुअली वो आई ओपनिंग होता है कि यार वाह ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और ये मेरे लाइफ में लाइक कई बार तो आई थिंक ये somehow कुछ तो ऐसे अंदर वो मैच्योर बना देता है कि यार हाँ तुम्हें बहुत सारे अननोन है जो बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हें ऑलवेज उसके लिए फाइट करनी चाहिए, तो तुम्हें जो मजा आता तो तुम कर लेते हो, लेकिन जो टिपिकल लाइक लोग होते वो नहीं कर पाते, typical mindset हाँ हाँ, तो वो जो विजन वाला पार्ट होता है वो आई डोंट नो somehow ये ट्रांजिशन से ही तुम्हारा स्विच होता है, तो वो लाइक ऑलवेज क्यूरियोसिटी रहती है उस चीज के लिए, तो जो क्यूरियस आई थिंक उसका वो लिमिट बढ़ती जाती है, अदरवाइज तुम उसी लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि यार ये कर सकते हैं लाइफ में, मतलब पीपल यूज टू टॉक अबाउट मूविंग टू अदर कंट्रीज, मतलब वो तो सोच इम्पॉसिबल था वो थॉट ही कभी आना, मतलब तो बहुत तो वहां पे काफी एक्सपोजर मिला, एंड वही टाइम था व्हेन इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि
doing something which nobody else is doing is normal. जो सबसे बड़ी चीज जो help की ना like जो होता ना कि तो बाकी normal normal नहीं है लेकिन तुम वो कर सकते हो अगर तुमने choose कर लिया तो वो मेरे भी लाइक मैं बचपन की जर्नी अब सोच रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वो somehow वो मेरे में ingrained होगी जैसे मैं शुरुआत में अगर मैं जैसे राजस्थान का टिपिकल कल्चर है कि तुम्हारा लाइक जब तुम 14-15 साल को शादी कर दी जाती है सेम कल्चर हमारे वहाँ था तो मेरे कजन भाई जो मेरे से जस्ट बड़े उनकी शादी होगी तो वो 6th क्लास में थे तो 6th-7th क्लास लाइक वो कितने 13-14 साल के होंगे उसके बाद में सेम प्रेशर मेरे ऊपर आने लग गया मेरे पेरेंट्स बोलना शुरू कर दिए भाई अब तो तुम भी कर लो तुम 7th-8th क्लास में आ गए हो और एक्चुअली उनका दिमाग ऐसे रहता है कि शादी कर दी तो सब कुछ सेटल हो जाएगा हम लाइक हम सेट हो जाएंगे ये भी सेट हो जाएगा तो एक्चुअली वो बहुत ही बड़ा प्रेशर था लाइक मेरे को याद आ रहा है कि नहीं पेरेंट्स नॉट ओनली माय पेरेंट्स लाइक मेरे चाचा ताओ सब आके बोलने लगे थे पूरी जॉइंट फैमिली कर दो शादी जॉइंट फैमिली तो नहीं थी लेकिन शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो लाइक वो वाला आ गया तो मेरे पेरेंट्स एकदम काफी प्रेशर में आ गए तो उन्होंने एक्चुअली कंसीडर कर लिया था कि यार शादी करनी है उन्होंने कुछ कुछ तो बुला लिए थे घर पे दिखाने के लिए और आई वाज लाइक वो होता ना एकदम कि भाई ये तो मैं नहीं होने दूंगा तो आई वेंट टू जो मैं बताया कि डायरेक्टर जो स्कूल का था उसके पास उसको बोला है कि मेरे को पढ़ना है और तुम घर पे जाओ तुम बोले मेरे को याद है वो घर पे आया था उसने बोला था कि भाई इसकी अभी शादी मत करो इसको पढ़ना है तो तुम बाद में कर देना तो वो एक स्टेप था जिसके अंदर एक्चुअली मैंने लाइक सारे घर वाले जिस चीज के लिए फाइट कर रहे थे वो तुम्हें लाइक बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि हाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा लाइक वो डराते हैं तुमको लिटरली डराते हैं कि भाई ना आगे जाके तुम्हारे मम्मी पापा कुछ हो गया हुआ वो मर गए तो तुम्हारी शादी कैसे होगी या बड़े ये कुछ हो गया तो कैसे होगी अभी मौका है कर लो तो तुम एक्चुअली से डर जाते हो क्या पता मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ लेकिन somehow उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि यार नहीं मैं पढ़ सकता हूँ तो वो वाला एक डिसीजन था दूसरा जैसे 10th क्लास हुई ना तो गांव वालों में गवर्नमेंट जॉब वाला रहता वो इतना ज्यादा प्रेशर था कि लाइक एक्चुअली मेरे को वो फाइट करनी पड़ी थी कि नहीं मैं ये करूंगा तो वो एक्चुअली वो स्टैंड लेना आ गया मेरे लिए कि यार मेरे को जो अच्छा लगता वो करना है तो उसके बाद में मैंने वो 10th का ट्रांजिशन देखा उसके बाद में जो कॉलेज के अंदर भी सेम ट्रांजिशन था कि यार सारे लोग जॉब 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 कर रहे हैं एंड आई वॉज लाइक नहीं यार मेरे को ये अच्छा लग रहा है मेरे को करना है उसके अंदर क्या होता है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और तुम अकेले उस चीज को चूज करते हो जो एक्चुअली लाइक तुम किसी के साथ तुम लॉजिकली वो कर भी नहीं सकते तुमको अच्छी लगती है तुमको खुद के लिए स्टैंड लेना वो डर लगता है एक्चुअली में कि यार मैं ये कर रहा हूँ मैं गलत तो नहीं कर रहा लाइक मेरी जॉब चली गई और मेरे को बाद कोई जॉब भी नहीं देगा और फिर तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा सभी लोग डाउट कर रहे हैं तुमको हाँ लेकिन वो मेरे को लग रहा है वो बचपन से लाइक वो ऐसे ये 5-6 स्टेप्स ऐसे हुए कि मेरे को लाइक एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ नहीं मेरे को अच्छा लगता है मेरे को करना है मेरे को डर नहीं लगता कि मैं 0 पे आ गया मैं कुछ कर लूंगा लाइक इतना कॉन्फिडेंस आ चुका कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा लेकिन हाँ मेरे को ये आज मेरे को अच्छा लग रहा था ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ मेरे ऊपर है वो अगर मैं फेल होता हूँ तो भी मैं वो मेरे ऊपर रहेगा तो मैं कुछ कर लूंगा राइट तो वो काफी स्ट्रॉन्ग लाइक हाँ वही एट द एज ऑफ दैट 13-14 यू आर टेकिंग डिसीजंस की जहाँ पे यू नो एक पेरेंटल प्रेशर है सोसाइटी का प्रेशर है ऑलमोस्ट करना है और so many people will succumb to this yes ki, yes yes ye nahi hai but you guys are the example ki you know you can do it aap apna dhoondo aapko jo karna hai belief rakho apne aap ke upar now by talking with you guys mujhe ab ek andar belief aa gaya ki kar sakte ho aap no matter where you are coming from aapka koi bhi background hoga jo bhi hoga agar aap mein himmat hai aap agar step lena chahte ho aap wo lo but koshish 100% देके करनी है अभी कुको एफएम की जर्नी पे आते हैं देन हाउ डिड यू गाइस स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट बिजनेस आइडियाज कि कब डिसाइड किया कि अब वापस से दूसरा अपना खुद का स्टार्ट करना है तो वो तो एक शुरुआत से ही था आई थिंक वो कॉलेज से वो डिसाइड हो चुका था या कुछ तो बड़ा बनाना है यहां पे बहुत ज्यादा टाइम तक काम तो नहीं करने वाला ऐसा डिसाइड ही था हां हां तो वो पहला कंपनी ऐसे स्टार्ट किया था जब हमने एक्विजिशन हुआ था तो सेम टाइम लाइक वी डिसाइडेड कि वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट कंपनी आफ्टर सम टाइम हम ये ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट फॉर लर्निंग हमें नहीं पता स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करते हैं हमें नहीं पता हायरिंग कैसे होती है हमें नहीं पता कल्चर कैसे मेंटेन करते हैं हमें नहीं पता कैसे बेचते हैं चीजों को तो जाते हैं सीखते हैं फिर अपना वापस स्टार्ट करेंगे और एक्चुअली हमारे पास्ट लर्निंग के हिसाब से हमने कुछ कुछ डिसाइड भी कर लिया कि नेक्स्ट कंपनी कैसा कैसा दिखने वाली है हमारी तो 2-3 क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए थे पहला था कि यार हमको कुछ तो मास प्रोडक्ट बनाना है हम मास प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते क्योंकि 100-100 मिलियन लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हो अलग ही सेटिस्फेक्शन है अलग ही थ्रिल देता है हमको B2B प्रोडक्ट समझ में आते हैं रेवेन्यू भी समझ में आता है बहुत बड़ी कंपनी भी बनती है लेकिन वो अंदर से एक्साइटमेंट आता है ना कि यार वो नहीं आता कभी B2B के लिए तो एक पहला था कि ये करना है
दूसरा जो इन्होंने बताया यार बड़ी टीम के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये हमारा था कि यार हम कुछ तो ऐसा बनाएंगे तो छोटी टीम के अंदर ही एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लाइव्स इंपैक्ट हो पाए कर सके। और एक हमने थर्ड क्राइटेरिया भी ऐड कर दिया था कि यार आपके पास कुछ ऐसा बनाएंगे जो हम खुद डे टू डे यूज कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही। एक तो तुम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो लाइक थर्ड पर्सन के लिए तुम इम्प्रूव करो, तो उसके लिए तुम फीडबैक लो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम बना नहीं सकते, तुम बना सकते हो, फीडबैक लो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अगर तुम खुद यूजर हो तो लाइक अलग ही लेवल पे तुम्हें काम करने का मजा आता है, अलग ही लेवल पे तुम्हारा फीडबैक लूप स्ट्रॉन्ग रहता है, तुम्हें पता रहता है कि क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं वो, और तुम अलग ही लेवल पे एक्चुअली में एंजॉय करते हो, पूरी टीम एंजॉय करते हो, वाइब फील आती है। तो ये कुछ कुछ क्राइटेरिया के साथ हमने टॉपर में एंटर किया था। उसके बाद में हमने एक्चुअली लर्निंग के ऊपर ही ध्यान दिया, हमने इंजीनियरिंग टीम ज्वाइन की थी हम दोनों ने। उसके बाद में हमने अक्रॉस लाइक हमारा टारगेट ये रहता था कि सीखना है। Finally in mid 17, mid 18, beginning of 18, six month, mid 17 था। तो mid 17 के अंदर हमने सोचा कि अब अंदर का सब कुछ हो गया, sales नहीं पता कि sales कैसे होती है। नहीं, actually this was beginning of 17. Beginning of 17. तो हमने actually engineering छोड़ के hardcore engineering जो मैं backend code करता था DevOps में था। हाँ। दोनों ने वो छोड़ा और हमने sales team, offline sales team जो door to door जाके बेचते हैं। दोनों ने छोड़ के तो टॉपर का वो मॉडल ऐसा ही था कि हर सिटी के अंदर एक सेंटर लाइक एक ऑफिस ओपन करेंगे, वहाँ पे एक सिटी का हेड हायर करेंगे, टीम हायर करेंगे, काउंसलर बोलते थे उसको, और बाद में हम डोर टू डोर जाके सेल करेंगे। दिस स्ट्रक्चर वाज नॉट फिगर्ड आउट, वी वर द फर्स्ट फ्यू पीपल जो जाके ये सेट कर रहे थे, तो किसी को मालूम नहीं था कैसे करेंगे, कैसे करना। हमने वो टीम ज्वाइन किया इन सिक्स मंथ, लाइक विनोद ने दो तीन सेंटर ओपन किए, मैंने एक दो सेंटर ओपन किए, तो वो हमारे सेल्स का लर्निंग था कि एक्चुअली में हार्ड कोर सेल्स होती क्या है। लाइक तुम घर पे, तो हम एक्चुअली लिटरली हम स्टूडेंट्स के घर पे पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करने जाते थे और वहाँ पे हम टॉपर के प्रोडक्ट को सेल करते, लाइक दिस इज अ टॉपर प्रोडक्ट और ये तुम ये ऑनलाइन ये सीख सकते हो, वो कर सकते हो, और उसके बाद में उसको सेल करते थे। तो वो अलग ही लेवल पे लर्निंग था, लाइक अलग ही लेवल पे लर्निंग था। उसके बाद में इन 2018 अर्ली 2018 वी डिसाइडेड कि अब टाइम आ गया, सीख लिया काफी, चलो अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन थिंग बिफोर वी गो, आई थिंक सेल्स वाला रोल वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ पीपल स्किल्स। सो लाइक व्हाट वर योर लर्निंग्स, आप लोगों के इंडिविजुअल लर्निंग्स क्या थी सेल्स में से, बिकॉज़ आप लोगों ने टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में किया हुआ है। आपने साउथ ईस्ट में किया हुआ है, आपने वेस्ट और लाइक यू नो गुजरात वाले एमपी साइड वाले उसमें किया हुआ है। सो आप लोगों की लर्निंग सेल्स में से क्या थी, अगर टॉप थ्री आपकी और टॉप थ्री आपकी। तो मैं एक्चुअली ना अभी जैसे मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, तो मैं चीज़ों को दो दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक जो जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, कॉमर्स होता है, तो दो पार्ट होता है, एक तो होते हैं डूअर्स जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक होते हैं सेलर्स, बीच के सारे मैनेजर होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इधर से उधर, साइकिल यही होती है। तो डूअर्स वाला काम हम पहले कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, बस सेलर वाला एक्सपीरियंस सीखना था। सेलर में एक्चुअली डिफरेंट ये होता है, सबसे बड़ा लर्निंग था वो कि यार सेल करने के लिए ऐसा नहीं होता कि बस प्रोडक्ट तुम रखोगे और सामने वाला उसकी पहले से कुछ तो पेन पॉइंट होगा और बस जाते तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेगा। उसके सेलिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यार तुम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी कितना समझते। लाइक एक्चुअली हम एक डेढ़ डेढ़ घंटे कॉल करते थे जिसके अंदर हम पहले प्रोडक्ट दिखाते थे, फिर उनसे बात करते थे कि तुम्हारे पेन पॉइंट्स क्या हैं, फिर उसके अंदर समझना कि यार हाँ ये ऐसे बात कर रहा है तो मेरे को इनको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो इससे ऐसे बातें करो। उन सेल्स का कन्वर्जन अलग लेवल पे होता था। तो मेरे हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर सेल्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो था। दूसरा आई थिंक मेरे लाइक सेल्स का ये बड़ा एक्सपीरियंस था कि यार बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं लाइक बहुत ही मेजरेबल है, लाइक तुम बहुत ही ईजी तुम्हें क्यों आउट पता है क्या इतना सेल हुआ इतना नहीं हुआ, हाँ तुम इतना परफॉर्म करो इतना नहीं कर रहे हो, तो तुम उसको काफ़ी ऑप्टिमाइज कर सकते। लाइक कोड लिखते हो तो तुम्हें नहीं पता कि इस कोड का कितना इम्पेक्ट है, एक्चुअली नहीं पता। लाइक हम रिव्यूज होते हैं लेकिन आदि रिव्यूज हवा में ही होते हैं कि यार तुमने इतना इम्पेक्ट डाला, तुमने ये क्या वो किया, और बहुत सारे लोगों का वो रोल होता है उसमें, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, इंजीनियर होता है, आइडिया सोचने वाला अलग होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। सेल्स में तुम ही हो, अब तुम पता है कि तुम 0-1 कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम काफ़ी एफिशिएंट कर सकते हो। तो लाइक तुम जो हम जो भी सिटी रन कर रहे थे उसमें अगर तुम थोड़ा सा भी लाइक तुम्हें पता रहता कि यार आज मैं इस स्टेट में हूँ, मेरे को यहाँ से ये यहाँ पहुँचना है तो लाइक ये इम्प्रूव करना है,
थर्ड आई थिंक पीपल मैनेजमेंट स्किल लाइक तुम्हें एक अलग लेवल पे द सेल्स वाले लोग होते हो तुम्हें अलग लेवल के ऊपर तुम्हें पागल बना सकते हैं एक्चुअली लाइक तुम्हें ऐसी गोली देंगे ना लाइक तुम जब 20-25 लोगों को टीम मैनेज कर रहे हो ना उसमें से 5-6 लोग ऐसे होंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा लिटरली ये होता है राइट वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स आई हैड वाज कि यार जो डेटा अपन फनल्स देखते ना डेटा में कि यार इतने लाइक प्रोडक्ट में हर कोई फनल देखता है इतने लोग आए इतने यहाँ तक पहुंचे इतने लोगों ने फाइनली खरीदा कोई लंबी चौड़ी फनल देखता है हर कोई वो सेम फनल्स ऑफलाइन ऑप्स पे भी अप्लाई हो सकती है पहली बार सेल्स में ही देखा और सेल्स में जितना अच्छे से अप्लाई होती है ना उतनी कहीं अप्लाई नहीं होती मतलब इज्जत से मतलब यू कैन एक्चुअली डिराइव यार मेरे 50 लोग हैं मतलब 2 सिटीज में बैठे हुए हैं 60-70 लोग बैठे हैं उन्होंने इतने कॉल्स किए इतने मीटिंग शेड्यूल में इतने लोगों से मिले इतने बिके तुमको टॉप डाउन फनल में दिखना चालू जाता था आज इन लोगों ने बात ही नहीं करी कस्टमर से तो आज सेल्स नहीं आई तो तुम पूरा फनल देख सकते थे इज्जत से और वो फनल प्रिडिक्टिंग हाउ मच योर रेवेन्यू विल बी एंड वेयर आर थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन योर फनल आई लर्न इन सेल्स हाउ टू बेसिकली असाइन डॉलर वैल्यू टू मैन आवर्स मतलब वो बहुत ऑसम स्किल्स था एंड देन पीपल स्किल्स राइट सो नाउ लाइक कुको एफएम वाला जो आइडिया पार्ट था वो फिर आप लोगों को कैसा आया एंड हाउ डिड यू गाइस डिसाइड कि अभी इससे ही चालू करना है तो मैं बताता हूँ ये तो हमने टॉपर छोड़ा इसके बाद 2018 में फाइनली लाइक ये हमारा पॉडकास्ट का स्टार्ट हुआ था हम 2015 जब मुंबई में हुए थे तब से हम पॉडकास्ट सुन रहे थे लेकिन हमने क्विक क्लिक नहीं किया कि हम इसमें कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं तो हम 2015 में मोस्टली वो हम सुन रहे थे मोस्टली जो स्टार्टअप वाले दुनिया की पॉडकास्ट तो मोस्टली इंग्लिश पॉडकास्ट जो यूएस के अंदर जैसे जो रोगन हो गया नवल रविकांत ये टिम फेरिस ये वाले पॉडकास्ट से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में इनके स्टार्टअप वाली दुनिया पॉडकास्ट सुन रहे थे उसके बाद धीरे धीरे इंडियन इकोसिस्टम की भी सुनना स्टार्ट किया और उसके बाद में अचानक से मैं रियलाइज हुआ कि यार ये स्टार्टअप दुनिया में फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्टेंट है लेकिन उसके बाहर तो एकदम पूरा वाइड स्पेस है कोई कॉन्टेंट नहीं अवेलेबल है लाइक पूरा का पूरा इंडिया के अंदर बिल्कुल कॉन्टेंट है ही नहीं और लाइक मुंबई के अंदर रहते हो तो तुम्हें पता रहता है कि यार जब वो पॉडकास्ट सुनते हो तो तुम्हें पता रहता है कि इसका यूज केस क्या है एक्चुअली में तो जब तुम वॉक कर रहे हो तब सुन सकते हो जब तुम कम्यूट कर रहे हो तब सुन सकते हो तुम एक्चुअली लाइक रेस्ट कर रहे हो रात को सोते टाइम भी तुम सुन सकते हो वो तुम्हें पेन पॉइंट भी पता गया क्या सॉल्व कर रहा है और हमें ये भी कनेक्ट हो गया था कि ऑडियो इज द ओनली कॉन्टेंट फॉर्मेट दैट गिव्स यू फिजिकल फ्रीडम बाकी सारे कॉन्टेंट फॉर्मेट है जो तुम्हें फोर्स करते हैं टू सिट डाउन एंड कंज्यूम द कॉन्टेंट तुम वीडियो देख रहे हो बैठ के ही कंज्यूम कर सकते हो टेक्स्ट पढ़ रहे हो बैठ के ही पढ़ सकते हो लाइक गेम खेल रहे हो बैठ के ही कर सकते हो लाइक वो सारे कंटेंट फॉर्मेट तुम्हें फोर्स यू टू सिट डाउन एंड कंज्यूम ऑडियो इज समथिंग दैट गिव्स यू फिजिकल फ्रीडम तो इस कंटेंट की अपनी एक ब्यूटी है ये अपना अलग टाइप के पेन पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं दैट कैन लाइक स्केल टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लाइफ क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऑफ द स्क्रीन वाला कम्यूट वाला टाइम वॉक करने वाला टाइम ये सारा टाइम जाता है किचन में टाइम जाता है सब जगह जाता है तो हर किसी को अपनी लाइफ को बेटर करना ही करना है इस टाइम के अंदर सब हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है उसमें राइट तो हमारा लाइक वहां से डॉट कनेक्ट किए देन लाइक वी स्टार्टेड विद की मेक लाइफ बेटर लाइक उस विजन मेक लाइफ बेटर ऑफ द स्क्रीन क्योंकि हम मोस्टली वो वाला ऑडियो के थ्रू जो पेन पॉइंट सॉल्व हो सकते तो वो विजन के साथ में हम इस आइडिया को स्टार्ट किया था And like how was first 1 year looked like कि आप लोगों का पहला year कैसा था पहला year तो ठीक है तो पहले तो starting में तो मैं बिसु विकास हम तीनों ही थे बस और मतलब जब हम iterate कर रहे थे before reaching to Kuku FM कि यार Kuku FM चालू करेंगे interesting story हम पहले हमने ऑफिस लिया था बाद में हमने Kuku FM चालू किया था reason being कि यार discipline चाहिए अभी life में 6 महीने से आलस आ गया है So let's start going to office and then we'll build something. So we did that kind of and we started working on Kuku FM. So pehle, for first couple of months, it's just 3 of us. मतलब फिर एक-एक करके लोग add होना चालू हुए तो I think मतलब सबसे पहला सबसे starting का सबसे बड़ा struggle यही था कि यार हम basically kind of हमको समझ आ गया था कि users को ये product चाहिए क्योंकि जैसे हमने पहला वर्जन जो हम तीनों ने बनाया था वो लॉन्च किया तो वी सॉ अ ह्यूज लिसनिंग टाइम मतलब उस टाइम स्टैंडर्ड इंडिया में म्यूजिक ऐप्स का लिसनिंग टाइम होता था 22 मिनट 24 मिनट टाइम्स कुछ हमारा आ रहा था मोर देन 40 मिनट्स वाओ वी वर सरप्राइज कि डिमांड है मार्केट में अब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट 1 year वी वर ऑल जस्ट स्ट्रगलिंग टू कि यार
एक्चुअली कस्टमर को चाहिए क्या और वो कहाँ से आएगा, मतलब कंटेंट जो चाहिए वो क्या है, वो कहाँ से आएगा, कैसे डिलीवर करेंगे, मतलब चीजें बहुत स्लो मूव हो रही थी क्योंकि जो स्टार्टिंग की चीजें फिगर आउट करनी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब तुम हवा में हाथ पैर मार रहे हो, तुमको चीजें नहीं पता है. तो फर्स्ट वन ईयर वॉज काइंड ऑफ, मतलब हमको एक काफी लंबा टाइम लग गया समझने में कि एक्चुअल कस्टमर की नीड क्या है और वो कैसे, मतलब ऑडियो से क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और क्यों यूज कर रहा है ऑडियो को. तो उसमें काफी टाइम गया था हमारा. इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड, तो एक्चुअली शुरुआत में हमने वही इटरेट किया कि यार यूजर को क्या कंटेंट सुनना है. तो एक्चुअली यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिली हमको. पहला इंसाइट ये था कि यार, तो पहला फॉर्मेट हमने पॉडकास्ट रिलीज किया था. पॉडकास्ट होता है कैप्सूल कंटेंट, जैसे ये एक पॉडकास्ट है, इसके बाद आप किसी दूसरे गेस्ट को लाओगे तो कम्प्लीटली नई दुनिया हो. तो कैप्सूल कंटेंट है, एक में पूरा का पूरा वही खत्म हो गया, दूसरे एपिसोड में पूरी नई दुनिया होगी. तो कैप्सूल कंटेंट होता है, तो कैप्सूल कंटेंट इंडिया में नहीं काम करता एक्चुअली. जो एक्चुअली जो नॉन इंग्लिश वाली जनता है ना, 1.3 बिलियन लोग, उनमें नहीं काम करता. तो हमने कंटेंट पे ट्रेड किया, पॉडकास्ट से स्टार्ट किया. फिर हमने छोटे कंटेंट पे किया कि यार हम ट्विटर जैसा कुछ, लाइक जिसमें यूजर कंटेंट कर रहा है, यूजर कंज्यूम कर रहा है, वो करते हैं, वो भी काम नहीं किया. लास्ट में हमारा जो सक्सेस मिला वो था लॉन्ग फॉर्म सीरीज कंटेंट, जो सोप ओपरा काइंड ऑफ शोज होते हैं, नॉट इन लाइक ओनली फिक्शन, हमारा नॉन फिक्शन में भी वो फॉर्मेट चलता है. इंडिया में क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने टीवी देखा है, टीवी के अंदर मोस्टली सीरीज कंटेंट है. वो सीरीज कंटेंट भी इतना बड़ा-बड़ा कि 5,000-10,000 एपिसोड्स. इंडिया ही एक कंट्री है जहां पे 5,000 एपिसोड्स के शोस बनते हैं. वो कहीं नहीं बनते ये. ट्रू, लोगों को फॉर्मेट पसंद है कि यार मेरे को एक बार मैंने डिसाइड कर लिया ना कि ये मेरे को देखना है या कंज्यूम करना है, आप मेरे को उसका देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, मैं उसमें घुस गया. लाइक वो एक्चुअली इतना एकदम से तुमने ये देखा कि वाओ, लाइक हाईएस्ट एंगेजमेंट, हाईएस्ट लिसनिंग टाइम. तो वो हमारी फर्स्ट सक्सेस थी, लाइक आफ्टर like a lot of iteration. साथ साथ we were talking to user, like हमारा day one से हम like बहुत ज़्यादा user से बात करें. तो ऊपरी call button लगा दिया था कि user call करेगा हमको. तो दो तरीके होते हैं user से बात करने के, एक तो तुम्हारे पास user से आ गए, phone number आ गया, तुम call करके पूछो भाई कैसा लगा. दूसरा होता है कि user को button दे दो, वो call करेगा तुमको. तो जब पहला वाला तरीका जिसमें तुम call करते हो, उसमें 10 में से 2 जने सही से बात करते हैं, बोलते हैं भाई मैं काम कर रहा हूँ, शाम को करना है, मैं ये जल्दी से पूछो क्या पूछना है, हाँ मैंने इंस्टॉल किया था, मैं ये सुन रहा हूँ. दो जने सही से बात करेंगे कि यार हाँ मेरे को अच्छा लगा, अच्छे से फीडबैक देंगे, उसके हिसाब से तुम कुछ कर सकते हो. दूसरे तरीके में जहाँ तुम्हें कॉल आ रहे हैं, उसमें एक्चुअली यूजर ने कॉल किया तो तुम कुछ भी पूछ सकते हो उसको. इतने अच्छे से बात करते हैं ना वो कि बाद तुम अपने, वो उसने कुछ तरीके से कॉल किया होगा यार ये कॉन्टेंट कम है या ये कॉन्टेंट और लाओ या ये प्रॉब्लम है तुम्हारी ऐप में, उसके बाद तुम अपने क्वेश्चन पूछो क्या तुम पे करोगे नहीं करोगे फ्यूचर में, क्योंकि आज तो फ्री है, आगे पे हो जाएगा. दूसरा, तुमने क्यों क्यों इंस्टॉल किया, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा एज ग्रुप क्या है, तुम क्या कमाते हो, तुमने दूसरे लोगों को बताया नहीं बताया, तुम लाइक वो सारी चीजें तुम पूछ सकते हो. हाँ. इससे हमने दूसरा वाला तरीका अपनाया कि कॉल बटन लगा देते हैं, हम बात करेंगे. जैसे तो हमने लिस्ट निकालना स्टार्ट किया, तो हमारा एक क्वेश्चन वो परमानेंट था कि तुम पे करोगे या नहीं करोगे. सरप्राइजिंग लाइक 80% यूजर यूज टू से कि हाँ हम पे करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू एड है. क्योंकि जो यूजर सुन रहे थे ना, आप सुनो तुम्हारा कम्यूट कमिट 30 मिनट भी बचा दूं, तुम्हारे लिए वैल्यू एड बहुत ज्यादा हाई है. तो जो यूज कर रहे थे उनको लाइक उनको वैल्यू एड वो पता चल रहा था कि यार ये हम वैल्यू एड बहुत हाई है, बस कंटेंट का मिसमैच था कि कंटेंट हम फिगर आउट करने में टाइम लगा, 1.5 साल लग गया. तो लॉन्ग फॉर्म सीरीज है, लेकिन वो इनसाइट आ गया था कि भाई इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, दूसरा लोग पे करने के लिए रेडी है, ये पता चल गया था. तो ये हमारा ये भी बड़ा लर्निंग था. उसके बाद में जब हमारा कंटेंट चला तो उसके बाद हमें पता था कि यूजर पे करेंगे, तो वी स्टार्टेड फोकसिंग. हाँ, एक और बड़ा लर्निंग था, ऑडियो के अंदर लो क्वालिटी कंटेंट नहीं चलता है. तो एक्चुअली क्या होता है कि तुम बाकी कंटेंट के अंदर, जैसे यू वीडियो है, वीडियो में तुम दो सेंसर से कंज्यूम कर रहे हो, तुम आंखों से देख रहे हो कान से सुन रहे हो. यूट्यूब भी थोड़ा बहुत खराब कंटेंट है तो भी चला लोगे, चलो सुन लेंगे. लेकिन ऑडियो में तुम एक ही सेंसर से सुनते हो ऑडियो, लाइक कान से, तो अगर थोड़ा बहुत भी नॉइस है ना तो तुम इरिटेट होकर छोड़ दोगे. तो ऑडियो के अंदर ऑलवेज हाई क्वालिटी है. तो हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया, लॉन्ग फॉर्म सीरीज कंटेंट बनाया, और हमें पता था यूजर पे कर सकता है. तो प्रीमियम कंटेंट है, ऑलवेज प्रीमियम कंटेंट है प्लेटफॉर्म पे, तुम उसके लिए कभी भी यूजर को चार्ज कर सकते हो. यूजर को यूजीसी कंटेंट के लिए चार्ज नहीं कर सकते. अगर फालतू कंटेंट है उसके लिए रुपए मांगोगे तो गाली देगा यूजर की, भाई ऐसा कंटेंट तो सब जगह भरा पड़ा है तुम क्यों मांग रहे हो. लेकिन प्रीमियम कंटेंट है उसके लिए तुम रुपए मांग सकते हो. तो थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग है, वी कैन डीप डाइव ऑन दिस.
तो इंडियन ऑडियंस जो है ना वो सारी की सारी आपकी मोबाइल से इंटरनेट पे ऑनबोर्ड हुई थी और पहली बार अभी रिसेंट लाइक लास्ट कपल ऑफ इयर्स में ही ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी इंटरनेट पे आई है. एंड बाय द टाइम इंटरनेट पे इंडियन पॉपुलेशन आना चालू हुई तब तक आपका इंटरनेट स्पीड वगैरह सब सॉर्टेड आउट था, तो शॉर्ट वीडियो वीडियो सब चीजें एग्जिस्ट करती थी. तो फर्स्ट टाइम जो भी इंटरनेट पे आता ना वो आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहा है वो इंसान. तो वो शॉर्ट वीडियो स्वाइप कर रहा है, वो बैठ के गेम खेल रहा है या एनीथिंग विच गिव्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वहां से आया. ठीक है, लेकिन एज यू स्पेंड अ लिटिल बिट मोर टाइम ऑन इंटरनेट यू वॉन्ट टू यूज इंटरनेट मोर प्रोडक्टिवली, यू वॉन्ट टू डू मोर विद इंटरनेट, यू वॉन्ट टू डू वैल्यू एड इन योर लाइफ विद इंटरनेट. तो दैट इज वेन यू स्टार्ट रीडिंग, दैट इज वेन यू स्टार्ट मे बी लर्निंग, दैट इज वेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑडियो. बिकॉज ऑडियो क्या है, ऑडियो आप कब यूज कर रहे हो, जैसे आपका दिन में 4-5 घंटे आप इंटरनेट यूज करते हो ऑन स्क्रीन, बट आपके पास टाइम बचा है जब आप क्योंकि मोबाइल फोन से इंटरनेट पे आए हो, तो अब आपके पास टाइम बचा है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, बट यू आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, यू आर डूइंग हाउस चोर्स, यू आर डूइंग कम्यूटिंग, एक्सरसाइज कर रहे हो, एज सिंपल एज ऑटो ड्राइवर ऑटो चला रहा है. ठीक है, तो ये सारे टाइम है जब आप कुछ और कर रहे हो, आप इंटरनेट नहीं कंज्यूम कर सकते. So that is when these people who have graduated on internet and then now want to use internet more productively, they start consuming content at that time. Hmm. तो क्योंकि आप उस time में consume कर रहे हो और आप already internet पे graduate हो चुके हो, तो आप थोड़ा सा value add वाला content भी सुनना चाहते हो. Right. तो that is when people start consuming non-fiction. Non-fiction में लोग कैसी चीजें सुनते हैं, motivation सुनते हैं कि यार मेरे को दिन भर office में नहीं बिताया जाता तो मैं सुबह सुबह motivation सुन के office जाऊंगा. ठीक है, पीपल से कि यार आई वांट टू लर्न हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मतलब यार हमारा पहला पेड कस्टमर था, फर्स्ट पेड कस्टमर, वो अपने अंकल की ग्रेन शॉप पे काम करता था, जो अपने वो दुकान होती है ना गांव में छोटे शहर कस्बे में कि जहाँ पे सारा आरती बोलते हैं क्या बोलते हैं, जहाँ सारा अनाज आता है और वहाँ पे बिकता है अनाज, मंडी में जो अनाज है बिकता है, तो उसको अपनी खुद की दुकान चालू करनी थी. तो वो कुकू एफएम सुनता था बोथ फॉर मोटिवेशन एंड लर्निंग, कि मैं सारे मैं बड़े जो लोगों ने बिजनेसेस चालू किया उनकी अर्ली लाइफ की स्टोरीज सुनूंगा एंड आई विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. पीपल स्टार्ट यूजिंग इंटरनेट मोर प्रोडक्टिवली, दे स्टार्ट कमिंग एंड स्टार्ट लर्निंग मेडिटेशन ऑन इंटरनेट, दे स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग ऑन इंटरनेट. तो ये सारी ही चीजें ऑडियो में बहुत सही फिट होती है. क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, आपके पास वो आप स्कूल में तो होने की आपके पास पूरा दिन का टाइम है सीखने के लिए, तो यू वांट टू लर्न पैसिवली व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स. तो दैट इज व्हाई पीपल कंज्यूम नॉन फिक्शन ऑन कुकू एफएम, कि यार आके मैं वैल्यू ऐड करूंगा, मैं आके हाउ टू इन्वेस्ट मैं सीखूंगा, मैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, आई लिसन टू बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, आई विल लर्न अबाउट हिस्ट्री. कुछ लोगों को हिस्ट्री, मैं एक कस्टमर से बात किया जो गोलगप्पे वाला था, उसको हिस्ट्री सुनना बहुत पसंद था, वो कुकू एफएम पे सोच रहा हूं गोलगप्पे की रेडी चलाने वाला कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है. राइट, मतलब नोबडी वुड बिलीव मी अगर मैं बाहर जाके बोलूंगा ये तो. ठीक है, क्योंकि उसको मेरे लिए भी अनबिलीवेबल है कि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन उनके पास है. हां, तो वो बेसिकली काइंड ऑफ वो बहुत सही फिट बैठता है, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गए हैं ऑन इंटरनेट, वेयर दे वांट टू यूज इंटरनेट इन बेटर वेज. बेटर वेज, हां. एंड That is why non-fiction also works a lot on UFM. और interesting part ये कि audio first time start हो रहा है, ऐसा movie industry की तरह ऐसा नहीं है कि 50-100 साल से चलती आ रही है, तो तुम्हारे पास एक बड़ी library है movies की, तो OTT platform जैसे Hotstar, Netflix से start हो गए. Already available library थी, उसको online लाए और लोगों ने subscription लेना start किया. Audio में वैसा case नहीं, audio में पहले से available content नहीं है. नहीं था, हाँ. तो radio के ऊपर जो content है बहुत ही short form content है, music के बीच में फंसा देते हैं वो. बाकी एडवर्टाइजमेंट चलता है वहाँ पे, वो म्यूजिक चलता है, एडवर्टाइजमेंट चलता है, म्यूजिक चलता है, एडवर्टाइजमेंट चलता है. ऑडियो की लाइब्रेरी हमने बनाना स्टार्ट किया था, हमने पूरा इकोसिस्टम तैयार किया कि यार हमको खुद को क्रिएटर्स ढूंढने, तो हमने अवेलेबल क्रिएटर्स कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि यार बाहर स्टूडियो है उसके पास जाओ बनवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये जो चिकन एक प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व की. तो शुरुआत के अंदर हमने कुछ कुछ लोगों को ढूंढा जो यूट्यूबर्स भी हो और उन्होंने ऑडियो भी बनाना कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया, उनको ऑनबोर्ड किया. फिर हमने जैसे जैसे स्केल करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लिसनर आए. अब लिसनर्स में से ही क्रिएटर बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो उनको बहुत तगड़ा लगा ऑडियो और उनको खुद को भी बनाने का मन किया, तो उन्होंने ऑडियो बनाना स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे हमें चमका कि अच्छी क्वालिटी का ऑडियो चाहिए अपन को, तो हर कोई तो नहीं बना, हर किसी कॉन्टेंट नहीं दिखा सकते. तो हमने एक फिल्टरिंग ले लगाए, क्या हमारे प्लेटफॉर्म पर जो बाहर दिखता वो कॉन्टेंट अच्छा ही दिखाएंगे, हम सारा कंटेंट नहीं दिखाएंगे. तो हम टेक के थ्रू फिल्टर करना शुरू किया कि तुम्हारा कंटेंट एक आवाज़ अच्छी, ऑडियो की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग फॉर्म होना चाहिए, थंबनेल अच्छे होने चाहिए,
कंप्लीशन रेट अच्छी होनी चाहिए, लाइक वो सारे टैक्स चेक करके फिर हमने पूरा का पूरा फिल्टर करके अच्छा कंटेंट ही यूजर्स को दिखाया. तो इससे क्या हुआ कि अब हमारा पूरा ये इकोसिस्टम हमारे कंट्रोल में है. तो अब जो जितना भी कंटेंट क्रिएट होगा दैट इज एक्सक्लूसिव ऑन कुकू एफएम. तो ये कंटेंट आप यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा. हाँ, तो अब एक्चुअली क्या होता है, म्यूजिक कंपनी जैसे सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है कि एक्सक्लूसिविटी नहीं है. सारा म्यूजिक यूट्यूब पे फ्री में मिलता है, गाना सावन स्पॉटिफाई सब जगह सेम कॉन्टेंट है. तो आप पे नहीं करोगे. इंडिया के अंदर जनता कन्वीनियंस के लिए पे नहीं करते कि ओहो स्पॉटिफाई ने क्या है बना दी चलो मैं पे कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता. इंडिया में कॉन्टेंट के लिए पे करते हैं, और अगर कॉन्टेंट एक्सक्लूसिव नहीं है तो लोग तुम्हें पे नहीं करेंगे. तो ये हमने बहुत ही लाइक फोकस्ड वे से एग्जीक्यूट किया कि अपना कॉन्टेंट ओनली ऑन कुकू एफएम होना चाहिए. तो आज की जितनी भी बड़ी लाइब्रेरी है कुकू एफएम पे वो केवल कुकू एफएम पे, और लोग उसके लिए पे करते हैं. तो हमने ये स्टार्ट किया था हमारा मोनेटाइजेशन फ्रॉम जनवरी 2021. अभी कितना 18 मंथ हो गया. दिस संडे वी विल क्रॉस 1 मिलियन एक्टिव पेड यूजर्स ऑफ कुकू एफएम. 1 मिलियन एक्टिवली पेइंग, मतलब एक्टिव पेइंग यूजर्स. तो इंडिया के अंदर हम जो लाइक हॉटस्टार नेटफ्लिक्स प्राइम है उनकी कैटेगरी में आने वाले, लाइक टॉप ऑडियो प्लेटफॉर्म. वाओ गाइस, दिस इज ह्यूज, दिस इज लिटरली ह्यूज. आप लोगों ने जो अभी इनसाइट बोले, आई एम जस्ट माइंड ब्लोइंग बाय दिस. की बहुत सी, जैसे आपने बोला एक्सक्लूसिविटी वाला, और मैं अभी अपने बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मुझे स्पॉटिफाई पे नहीं मिल रहा है देन आई एम स्विचिंग टू जियो सावन, और मैं उस पर सुन रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी नहीं है वो चीज़ के बारे में. एक चीज़ जो नहीं करनी थी वो था कि विजन क्लियर नहीं था आप लोगों का इजी ट्रैप के अंदर. नाउ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसी पार्ट पे भी, कि वो लोग विजन के पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं, कि उनको भी पता नहीं होता. वो चालू तो कर देते हैं बट सेम कि अभी पाथ नहीं पता है मुझे, 6 महीने चालू कर दिया भाई अभी कहाँ पे ले जाऊँ, 5-6 दिमाग में आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं. सो हाउ टू डिसाइड ऑन अ विजन, और एक विजन कैसे क्रिएट करते हैं एक कंपनी का. सो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करता हूँ. हाँ, तो यार क्या होता है ना कि एक तुम्हारा लूजली डिफाइंड विजन की यार मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ वो स्टार्टिंग में होता है. हाँ, एंड उसको तुम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा नैरो नहीं कर पाओगे. दैट्स ओके. हाँ, इट्स ओके टू हैव अ लूजली डिफाइंड विजन. जैसे आप लोगों के केस में था कि आप लोगों को 100 मिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करना है. इज दैट करेक्ट? बेसिकली हमको our vision was कि यार make life better off the screen. ठीक है, कि यार off screen वाला जो time है जहाँ audio से जहाँ पे connected है वो वाले time को मैं capture करूँगा. ये अब उसमें हमने कभी narrow नहीं किया कि यार मैं एकदम non-fiction में या ये करूँगा या fiction में वो करूँगा या क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो तुम figure out कर लोगे. But you will have a broad vision. तो ब्रॉड विजन से फायदा क्या होता है, इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ विगल रूम, एंड देन यू कैन बेसिकली से कि यार हम एक्सपेरिमेंट करके और डिसाइड करते रहेंगे कि दिस इज वर्किंग फॉर अस, एंड देन उसमें हम तुम हमेशा अलाइंड होते हो अमंग्स योर टीम की यार करेंटली ये डायरेक्शन समझ आ रहा है इधर दौड़ते हैं. ठीक है, सो यू विल हैव अ ब्रॉडर विजन एंड ओवर टाइम वो अपने आप नैरो होता जाएगा. कि यार वहां तक पहुंचने का पाथ आज की डेट में ये है, ये पाथ बदल सकता है. कल की डेट में हो सकता है मैं जैसे आज ऑपरेट कर रहा हूँ कुकू एफएम को, जिन वर्टिकल्स में ऑपरेट कर रहा हूँ जिस तरह सेल कर रहा हूँ वो बदल जाए, बट स्टिल ब्रॉडर लॉन्ग टर्म पाथ यही गोल यही रहेगा, मेक लाइफ बेटर ऑफ द स्क्रीन, सो दैट पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार हम मतलब क्या होता है कि बेसिक लूज बाउंड्री मिल जाती है लोगों को. अब कोई मेरे पास आके मेरी टीम में ये नहीं बोलेगा कि चलो बच्चों के लिए यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं. Because that is not the part of vision. That much boundary is there. तो एक clarity आ जाएगी उसकी वजह से. Like vision create होने से benefits क्या-क्या आ जाते हैं? I think this vision में add करने वाला एक vision तुम्हारा ऐसा भी होना चाहिए तो तुम्हारा like emotions भी touch करे, like सारे लोगों के emotions touch. जैसे make life better is something तो हर कोई करना चाहता है. यार मेरे को कुछ तो ऐसा बनाना है कि मैं लोगों की life improve कर दूँ, like और वो satisfaction अलग देता. तो विजन में लाइक वो एक क्वालिटी, अगर एक तो हम ये बोले कि यार ऑडियो प्लेटफॉर्म बनाना है, दैट इज वेरी लाइक वो होता है ना कि यार तुम्हारा एक वो वेग हो गया, वेग हो गया, बहुत ही मैकेनिकल है. लाइक तुम एक कुछ बना रहे हो, बनेगा प्रोडक्ट और तुम उसका एक लाइक सेल्स प्रोसेस होगा, तुम बेचोगे, वो है वहाँ पे, लेकिन वो तुम्हारे इमोशन को टच नहीं करता ऑडियो प्लेटफॉर्म का भी. लेकिन मेक लाइफ बेटर ऑफ दिस तुम्हारे इमोशंस को टच करता है एकदम से, क्या वो मैं लाइक इतना इम्पेक्ट डालने वाला हूँ कि मैं उनकी लाइफ बेटर करने वाला हूँ, वो 100-100 मिलियन लोगों तक जाने वाला है. और ऑब्वियसली ये बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार तुम्हारी पूरी टीम सोच लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ अस, लाइक आफ्टर ए लिमिट तुम
तुम्हें नहीं पता कि कितने लाइक कौन लोग क्या काम करे, तुम नहीं देख सकते और तुम लाइक बहुत बार ऐसे होता है कि लोग रैंडम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट लेके कुछ भी करने लग जाते हैं. तो तुम्हारा विजन इतना इतना लाइक इतना ब्रॉड भी होना चाहिए, इतना वो टाइटली पैक टाइटली डायरेक्शन वाला भी होना चाहिए कि लोग सोच सके उस डायरेक्शन में, वो गैप समझ सके और उसके अंदर कुछ अपने आइडियाज ला सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज अगर तुम्हारा इतना ज्यादा वे कर दिया कि कंपनी अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गई तो तुम कहीं नहीं जाते. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मेरे हिसाब से विजन के बाद तुम्हें एक लाइक कुछ लोग उसको मिशन बोलते हैं, कुछ लोग लाइक इमीडिएट टारगेट कंपनी का बोलते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी हमारी कंपनी में वी फोकस ओनली ऑन वन सिंगल मेट्रिक, उसके हिसाब से सबको पता गया कंपनी में मैं कुछ करूंगा तो इसको इम्पेक्ट होना चाहिए. और वो क्या हो सकता है, वो एक मैट्रिक क्या हो सकता है, वो लाइक कुछ भी हो सकता है कंपनी के लिए, लेकिन एक फोकस्ड वे से जब तुम जाते हो तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है. लाइक ये आप थोड़ा एक एग्जांपल देके समझा सकते हो कि वो एक मैट्रिक क्या रख सकता है कोई, मतलब तीन चार से. तो जैसे मैं देता हूँ हमारे लाइक लास्ट 4 ईयर का ये बहुत ही बड़ा लर्निंग था. तो इन शुरुआत में वी यूज टू डू लाइक कंपनी लेवल पे 4-5 मैट्रिक हम ट्रैक करते थे कि यार ये कंटेंट का मैट्रिक इतनी बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, रिटेंशन की इतना रिटेंशन होना चाहिए, लिसनिंग टाइम का लाइक अलग अलग 4-5 मैट्रिक ट्रैक करते थे. उसके बाद में लाइक और वी यूज टू थिंक यार कुछ तो मैजिकली होगा और कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी. तो लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही स्ट्रगलिंग था. लाइक काफी बार हमें लाइक अब हम लुक बैक करते हैं तो पता चलता है कि वो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी. लाइक जो आउटपुट आता है ना वो अलग ही लोग कुछ कुछ करने लग जाते हो, जो मैजिकली सोच रहे थे वो होता नहीं है. इन 2021 व्हाट वी डिड लाइक यार हमारे कंपनी का एक ही फोकस है, लाइक गोइंग फॉरवर्ड वी विल फोकस ओनली ऑन दिस मोनेटाइजेशन मेट्रिक. ठीक है, सारी चीजें यहाँ से फ्लो होनी चाहिए. अब यूजर को अगर यूजर की अपन लाइफ बेटर कर रहे हैं तो उसके लिए अपन ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसके लिए वो पे करेगा. अब और ये मेट्रिक है अपन इसको चेस करेंगे, तो उसके लिए कंटेंट क्या चाहिए, उसके लिए लाइक जो मार्केटिंग करता है या जो ग्रोथ करता है उसको पता है कि मेरे को ये गैप पूरा करना है. प्रोडक्ट को पता है कि मेरे को ऐसा चीज बनाना है जिसको यूजर को लाइक प्रीमियम फील और पे कर सके. तो हर कोई उस चीज में अलाइन कर लेता है लाइक यार यहाँ कंपनी का ये चीज इंप्रूव होना चाहिए. अगर मैं कुछ भी सोच रहा हूँ आइडिया है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे इम्पेक्ट नहीं कर रहा तो दैट मीन्स नो. तो हमने एक्चुअली 2021 में जो 5 मेट्रिक थी उसमें से लाइक सबको नो बोला. एक्चुअली हमने कुछ कुछ डिपार्टमेंट बंद किए कि यार हम एक्चुअली दिस इज अ हार्ड कोर, हम क्लोज कर रहे हैं, वी विल फोकस ओनली ऑन दिस वन थिंग. और वो एक्चुअली लाइक वो बात करो उसको भी पता है कि यार हाँ हम प्रीमियम यूजर्स ला रहे हैं, प्रीमियम कंटेंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो काफी हेल्पफुल होता है. थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया मेरे को एंड हमारे ऑडियंस को भी मजा आया होगा. So I hope you guys enjoy this episode. अगर आपको ये episode अच्छा लगा हो then please do drop a like, share this video with your friends, do drop your comments, हमको suggestions दो कि कैसे हम लोग हमारे podcast को improve कर सकते हैं और कैसे improvement ला सकते हैं उसके अंदर. Thank you so much.